हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट एलिमेंट और एम्बेड एलिमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट टैग और एम्बेड टैग। तो चलिए शुरू कर दें। सिंपल है, ये तीन चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, ऑब्जेक्ट और एम्बेड के साथ। तो चलिए देखते हैं। सिंपल, आपको लिखना है ऑब्जेक्ट ओपन टैग और ऑब्जेक्ट क्लोज टैग, और ऑब्जेक्ट के आगे SRC के बदले आपको एक एट्रीब्यूट लिखना है डेटा। ओके, ऑब्जेक्ट में हमेशा आपको SRC नहीं लिखना है, हमेशा डेटा लिखना है। इतना सिर्फ फ़र्क है और इतना सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे एक SWF यानी एक फ्लैश वाली फ़ाइल, जैसे फ्लैश फाइल FLV फाइल होती है, तो पुराने मतलब यानी 4-5 साल पहले या 10 साल पहले SWF बहुत ज़्यादा काम करते थे, SWF फाइल्स। तो जैसे मैंने एक सैम्पल आपके लिए निकाल के रखी हुई है यहाँ पर SWF फोल्डर के अंदर, एक सैम्पल .SWF फाइल, तो वो आपके ब्राउज़र पे कैसे व्यू करनी है वो अभी आप यहाँ पर देखेंगे। उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट वाला टैग इस्तेमाल करते हैं और डेटा एट्रीब्यूट के साथ यूज़ करते हैं। तो डेटा एट्रीब्यूट में लिखेंगे एस, क्योंकि मेरे फोल्डर का नाम है SWF और सैम्पल .SWF फाइल का नाम है सिंपल। और यहाँ पर आप विड्थ भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। विड्थ अगर देनी है, हाइट देनी है, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट टैग। चलिए देखते हैं इसको, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए इस तरीके से कुछ आएगा। क्योंकि आपके पास अभी, मेरे पास Adobe फ्लैश प्लेयर अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपको ये व्यू करनी है तो आपको ये डाउनलोड करना होगा या क्लिक टू एनेबल करना होगा। तो क्लिक करेंगे यहाँ पर और इसको अलाउ करना होगा। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है रन फ्लैश, तो ये फ्लैश रन होगा, ये फ्लैश पे आपकी फ़ाइल दिखाई देगी फ्लैश रन होने के बाद। तो मैं अलाउ करता हूँ और देखिए अंदर जो भी एनिमेशन होगा वो, अभी एनिमेटेड फाइल नहीं है, सिंपल सी SWF है, उसमें एनिमेशन ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो फाइल यहाँ पर व्यू हो रही है। तो ये तरीका है आपको SWF अगर फाइल आपके वेबसाइट पे व्यू करनी है तो इस तरीके से आप उसको व्यू कर सकते हो। ठीक है, चलो इसमें सिर्फ SWF ही नहीं, हम लोग HTML भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास है, मेरे फोल्डर के अंदर मान लो मेरे पास अबाउट अस मुझे ओपन करना है। ठीक है, तो मैं अबाउट अस भी ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए ये मेरी 30 ऑब्जेक्ट एम्बेड वाली, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उसका फाइल का नाम है ऑब्जेक्ट एम्बेड, और उसके नीचे ही यानी उसके बाद ही डायरेक्ट फोल्डर के अंदर नहीं है, ओपन फाइल है, तो मुझे फोल्डर का नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सीधा लिखना है aboutus.html और कुछ नहीं लिखना है, और यहाँ पर जाके मुझे सिर्फ रिफ़्रेश करना है। तो देखिए आपकी विड्थ 200 है, इसलिए 200 स्पेस के अंदर वो आ रहा है। तो मैं चलो विड्थ बढ़ा देता हूँ, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जैसे शायद मैंने आई फ्रेम का वीडियो आपको बताया था, मैं हाइट भी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, 600 करते हैं, शायद मैंने आई फ्रेम की वीडियो में आपको ये दिखाया होगा। तो आई फ्रेम में भी हम लोग इस तरह से HTML व्यू कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट टैग के साथ भी हम लोग HTML व्यू कर सकते हैं, SWF और HTML। ओके, और हम लोग JPG फाइल भी कर सकते हैं। तो जैसे मेरे फोल्डर के अंदर है, इमेजेस का फोल्डर है और flower.jpg है, और इसको मैं विड्थ हाइट निकाल देता हूँ, क्योंकि वो इमेज की जो भी नेचुरल साइज़ है वो आनी चाहिए। और मैं अभी रिफ़्रेश कर रहा हूँ, देखिए आप इमेज भी यहाँ पर व्यू कर सकते हो। तो इससे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट टैग के साथ हम लोग SWF फाइल यूज़ कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, HTML दिखा सकते हैं, और JPG भी यानी कोई भी इमेज वाली फाइल भी दिखा सकते हैं। ओके, तो चलिए एम्बेड देखते हैं। अभी एम्बेड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एम्बेड सिंपल, और इसका कोई एम्बेड का एंड टैग नहीं होता। ठीक है, तो इसमें डेटा के बदले आपको लिखना है सिंपल सोर्स, जो हम लोग इमेजेस में लिखते हैं, और सोर्स में लिखना है जैसे इसमें भी सेम अप्लाई होता है, सेम फार्मूला। जैसे अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ, देखिए इसको हम लोग बंद कर देते हैं और इसको इसमें यहाँ पर डाल देते हैं, और यहाँ पर मैं अभी रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए इसमें से भी आपको इमेज व्यू होती है एम्बेड टैग के अंदर से। जैसे अभी मुझे HTML करना है, जैसे हम लोग ने अभी देखा था, तो मैं aboutus.html करूँगा और यहाँ पर मैं फिर से विड्थ अप्लाई करूँगा 600। ओके, और मैं हाइट भी अप्लाई कर देता हूँ
400, ठीक है। और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो 600x400 में मुझे ये पेज भी दिखाई देगा एम्बेड थ्रू, ठीक है। और एक SWF जो देखा था हम लोग ने वो भी पॉसिबल है। इसमें मैं डालूँगा SWF और sample.swf और ये सारी चीज़ें। इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, 300x400 कर लेते हैं और रिफ्रेश। देखिए ये ऑलरेडी रन हो चुका था इसलिए अभी ऑटोमेटिकली वो फाइल दिखाई दे रही है। तो यही चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट टैग के साथ, आप डेटा एट्रीब्यूट के साथ सारी चीज़ें कर सकते हो और एम्बेड में सोर्स एट्रीब्यूट के साथ सारी चीज़ें कर सकते हो। सिर्फ डिफरेंस इतना है, यहाँ पे आपको सोर्स लिखना है और यहाँ पे आपको डेटा लिखना है। ओके गाइस, तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा ऑब्जेक्ट और एम्बेड। तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।